Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website edurise INDIA.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आज एक नया कंसेप्ट हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखने वाले हैं एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से एक नए कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं. एंड आज हम लोग जो एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बन रहा हूँ, जबकि इक्विलिब्रियम में दो पार्ट होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अभी बात हम लोग नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी रोटेशन हमारा चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ है. जब हम अभी जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड देन वहाँ पर जब हम रोटेशन में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. तो अब आप लोग पहले से जल्दी से आप लोग बताइए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है. तो कई स्टूडेंट्स क्या मानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट. सो इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है. जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन चल रही है और मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ, तो क्या मैं इक्विलिब्रियम में हूँ या नहीं हूँ? थोड़ा ठीक से सोच के बताइएगा कि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ या नहीं हूँ. कई स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, यस मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, लेकिन ये कम्प्लीटली राइट नहीं है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है उसको अपन लोग समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ को हम लोग बोलते हैं. सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का यदि आप डेफिनेशन देखेंगे, ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रिमेंबर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन इनर्शियल फ्रेम. रिमेंबर अगेन, एक इनर्शियल फ्रेम में बॉडी आइदर रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. सो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम इनर्शियल होना चाहिए और रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए. इन दोनों का ही मतलब इफेक्टिवली एक्सेलरेशन जीरो होता है. आइदर बॉडी रेस्ट में हो, हमेशा ही रेस्ट में हो, या फिर बॉडी की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट हो, उन दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा. So we can say if in an inertial frame the body has zero acceleration, it means it is in equilibrium. तो हमने ये देखा कि बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में और वो मूव भी कर सकता है. द ओनली कंडीशन इज इट्स एक्सेलरेशन शुड बी जीरो. तो जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. When it is at rest, we say its equilibrium as a static equilibrium, whereas if it is moving at a constant velocity, it is in dynamic equilibrium, right? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे. दोनों ही इक्विलिब्रियम है, तो हम एक केस में यदि बॉडी ऑलवेज रेस्ट में है तो उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे. लाइक आप जिस रूम में हैं, ये रूम आप देखेंगे तो हर एक चीज रेस्ट में है, तो इसको आप लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. लेकिन यही चीज यदि हम एक ट्रेन में चले जाएं और ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो वहां पर आप यदि पूरे जितने भी बॉडी हैं उस ट्रेन के अंदर, वो सब के सब इक्विलिब्रियम में होंगे. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि आप उसको देखेंगे तो उसको आपको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट? तो आप यहां पर देख रहे हैं दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. लेकिन दोनों ही इक्विलिब्रियम में यदि हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन देखें या मैथमेटिकल देखेंगे रिलेशन क्या होगा, तो जब भी आपका एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में जीरो होगा, जब भी आपका एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में जीरो होगा, तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से देखा था कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होना चाहिए द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, राइट? तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. तो समेशन ऑफ एफ आई क्या बता रहा है कि हो सकते हैं बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, F1, F2, F3, F4, उन सब का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज और अपने को ध्यान रखना है कि यदि एक वेक्टर जीरो है, इट मींस इसका i कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, j कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए और k कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इसका जीरो होना चाहिए। तो इसका जीरो होने का मतलब वी कैन से कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का x कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए एंड उन सब का y कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए और उन सारे फोर्सेस के जो z कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कंडीशन कहां से आया। एक्सेलरेशन जीरो है एंड न्यूटन सेकेंड लॉ आपने देखा होगा समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। तो यदि ए जीरो है तो समेशन ऑफ एफ को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो होपफुल स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मैथमेटिकल कंडीशन क्या है वो समझ लिया होगा। सो आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देयर रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो। ओके, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दे मस्ट बी कोप्लेनर एंड मेक ए क्लोज ट्रायंगल। सो यदि थ्री वेक्टर्स जो हैं उनका वेक्टर सम जीरो है तो स्टूडेंट्स याद करें थ्री वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो होने के लिए एक कंडीशन तो ये हुआ कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर का वेक्टर सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर का वेक्टर सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सो यदि एक बॉडी पे थ्री फोर्सेस लग रहे हैं और उनका वेक्टर सम जीरो है सो पहला कंडीशन तीनों वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब तीनों फोर्सेस सेम प्लेन में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो एक क्लोज ट्रायंगल बनाने चाहिए। क्लोज ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही हम जो एक्सटेंड किए थे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि यदि f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर का वेक्टर सम जीरो वेक्टर है इट मींस f1 वेक्टर के हेड पे यदि f2 वेक्टर का टेल लाया जाए और f2 वेक्टर के हेड पे f3 वेक्टर का टेल लाया जाए तो ये तीनों मिल करके एक क्लोज्ड आपको ट्रायंगल फॉर्म करने चाहिए, राइट। सो होपफुली आपको ये वेक्टर के कंसेप्ट से आपको वापस मैं रिकॉल करा रहा हूं कि थ्री वेक्टर का वेक्टर सम यदि जीरो है, लेट्स से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज जीरो वेक्टर, देन a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर विल फॉर्म ए ट्रायंगल, क्लोज्ड ट्रायंगल। ऑब्वियसली ट्रायंगल होगा वो क्लोज्ड ही होगा। सो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं जहां पर भी इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर आपके थ्री फोर्सेस लग रहे होंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। सो एक तो ये कंसेप्ट हुआ और उसी को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड कहूंगा और दूसरा मैं उसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करूंगा। तो पहले ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में जो एक लामीज थ्योरम है, शायद इसके बारे में भी आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा कि ये f1 वेक्टर है, ये f2 वेक्टर है और ये f3 वेक्टर है। f1 वेक्टर के सामने का एंगल मतलब f2 और f3 वेक्टर के बीच के एंगल को मैं एंगल a कह रहा हूँ और f2 और f1 वेक्टर के बीच के एंगल को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और f1 और f3 के बीच के एंगल को मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इन तीनों का वेक्टर सम यदि जीरो है तो हमारा ये रिलेशन आता है f1 बाय साइन a, f1 बाय साइन a इज इक्वल टू f2 बाय साइन b इज इक्वल टू f3 बाय साइन c। सो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, राइट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ये लामीज थ्योरम आपको समझ में आया होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। मैं इसको जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ कि थ्री वेक्टर का वेक्टर सम यदि जीरो है, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर इनका वेक्टर सम जीरो है तो एक तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जो तीनों वेक्टर्स हैं और साथ ही साथ उनके बीच का जो रिलेशन देखेंगे वो f1 f2 f3 एंड जो एंगल्स हैं उनके बीच का रिलेशन जो होगा वो इस रिलेशन से निकलता है जिसको हम लोग लामीज थ्योरम बोलते हैं। और एक जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा मेथड मैं बोल रहा हूँ जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, उससे भी इसको सॉल्व किया सकता है। एनालिटिकल मेथड क्या हुआ कि एनालिटिकल मेथड में जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करते हैं, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस और इस तीनों इस एक्सेस पे हम F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर को दिखाते हैं एंड अगेन F1 वेक्टर को x और y कंपोनेंट में लिखते हैं, F2 वेक्टर को भी x और y कंपोनेंट में लिखते हैं, F3 वेक्टर को भी x एंड y कंपोनेंट में लिखते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको ध्यान में हो कि यदि ये तीनों का वेक्टर सम जीरो है तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि ये तीनों फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब F1x क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये F1 वेक्टर का x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, F2x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 वेक्टर के x कंपोनेंट को, और F3 वेक्टर जो है F3 वेक्टर के x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड रिमेंबर दिस कंपोनेंट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें से कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर F1x पॉजिटिव है, F2x नेगेटिव है और F3x नेगेटिव है। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अब इन तीनों के वेक्टर जो हम y कंपोनेंट देखेंगे उनका भी सम जीरो होना चाहिए। तो f1y प्लस f2y प्लस f3y जीरो होना चाहिए। यदि इस फिगर में देखेंगे तो f1y जीरो होगा क्योंकि f1 वेक्टर x डायरेक्शन में है, तो f1 वेक्टर का y कंपोनेंट जीरो होगा, F2 वेक्टर का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा एंड F3 वेक्टर का y कंपोनेंट नेगेटिव होगा। सो उन तीनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। So students, we can use both methods, either that the Lami's theorem or this analytical method. एक और चीज मैं बता दूं कि जब अपने पास 3 से ज्यादा फोर्सेस होंगे, लेट्स से 4 फोर्सेस, 5 फोर्सेस लग रहे होंगे, देन ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज दिस Lami's theorem, सो ऑब्वियसली वी विल यूज दिस एनालिटिकल मैथड, राइट। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि 3 से ज्यादा फोर्सेस आएंगे वहां पर हम लोग ट्राई करेंगे इस एनालिटिकल मेथड की अप्रोच से सॉल्व करेंगे। वहां पर हमारे को इसको एक्सटेंड करना होगा, f1x प्लस f2x प्लस f3x, लेट्स से f4 है तो f4x प्लस f5x इक्वल्स टू जीरो। जितने भी फोर्सेस होंगे उन सब के x कंपोनेंट का सम को हम लोग जीरो करना होगा एंड सिमिलरली y कंपोनेंट के सम को भी जीरो करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस में इस दोनों ही मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि कहां पर हमारे लिए ये मेथड इजी होता है, कहां पर वो वाला मेथड इजी होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a body of mass m is suspended by 3 string as shown in figure, find the tensions in each string. So if you see, you have 3 string, one is this one, this string, another is this string. इस string में जो टेंशन है उसको T1 से मैं कह रहा हूं, T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो थर्ड स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है उसको मैं T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। तो अब हमारे को क्या करना है, इसमें T1, T2 और इस स्ट्रिंग में लेट से मैं जो टेंशन है उसको T3 कह रहा हूं, इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसमें T3 कह रहा हूं उस स्ट्रिंग के टेंशन को। तो ये तीनों की वैल्यू निकालनी है, T1, T2, T3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग मास m का एफबीडी बना लेते हैं। यदि इस मास m का एफबीडी हम लोग बनाएं तो उसमें सिंपल दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक mg डाउनवर्ड लग रहा है और जो ये T3 वाला स्ट्रिंग है वो उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा T3, और ये यदि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब T3 इक्वल्स टू क्या होगा, mg। सो हमारा इस स्ट्रिंग का टेंशन निकल गया है। अब हमारे को इस दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। सो वी कैन ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस पॉइंट, लेट अस से वी से दिस पॉइंट एज अ पी पॉइंट। सो मैं पॉइंट पी को यदि देखूं, पॉइंट पी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां ध्यान देने की जरूरत है, जब मैं पॉइंट पी कह रहा हूं, दिस पॉइंट पी हैज जीरो मास। इस पॉइंट पी को एक बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है तो उसका मास क्या है, जीरो है। सो इस पे कोई mg फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, ये वाला स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, वो वाला स्ट्रिंग किधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, वो वाला फोर्स इधर की ओर लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा T1 की डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, इट मींस वी कैन से दिस एंगल विल बी थीटा। और भी फोर्सेस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो वाला जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है वो T2 फोर्स इधर की ओर लगा रहा होगा, और ये जो थर्ड स्ट्रिंग है वो T3 फोर्स इधर की ओर लगा रहा होगा, राइट। ये T3 फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। तो स्टूडेंट्स आप T3 की वैल्यू हमारे को पता है, T3 वी नो इज इक्वल्स टू mg है और मुझे T1 और T2 निकालना है। तो इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मेथड है हमारा लामिस थ्योरम का, उससे यूज करके देखते हैं लामिस थ्योरम से कैसे ये सॉल्व होगा। सो हम लोग फर्स्ट यूज करते हैं लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। सो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा होगा और ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। सो वी कैन राइट, देखिएगा ध्यान से, T1 बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू T2 बाय साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू T3 बाय साइन 180 माइनस थीटा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये लामिस थ्योरम। T1 बाय ये वाला एंगल, T2 बाय ये वाला एंगल एंड T3 बाय ये वाला एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल। अब यहाँ से आपको T3 की वैल्यू पता है, T3 की वैल्यू हमारे को mg दी हुई है, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से यदि हम लोग इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करें तो T1 बाय साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, T2 बाय साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है एंड mg बाय साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो यहाँ से हमारी T1 की वैल्यू आ गई mg बाय साइन थीटा, ये वैल्यू हमारा निकल गया। एंड इधर से T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो T2 इज mg कॉट थीटा। सो ये दोनों ही वैल्यू हमारी निकल गई। सो इसको हम लोगों ने लामिस थ्योरम मेथड से बनाया। अब हम लोग इसको एनालिटिकल मेथड से बनाते हैं, ये फर्स्ट मेथड था हमारा। अब हम लोग यहाँ पर इसका एनालिटिकल मेथड देखते हैं, एनालिटिकल मेथड से इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। राइट, दिस इज आवर सेकेंड मेथड। यहाँ पर हमारे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करना पड़ता। We can consider this as horizontal as x-axis and vertical as y-axis. Then हमारे को इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता। सो T2 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि T2 हॉरिजेंटल x डायरेक्शन में है, तो T2 को एज इट इज लिख दिया हमने। T3 भी y डायरेक्शन में है इसलिए T3 को भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, T3 की वैल्यू हमने mg लिख दी। नाउ T1 को रिजॉल्व करना होगा। T1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो x कंपोनेंट होगा, वो T1 cos थीटा होगा बट नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा, और T1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो T1 साइन थीटा होगा। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होंगे। तो अब हम लोग समेशन ऑफ f(x) को यदि जीरो करें तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आएगा T1 साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हमारा T1 का वैल्यू आ जाएगा mg जी बाई साइन थीटा, जो हम लोगों ने यहाँ से भी निकाला था वही वैल्यू आया था। उसी तरीके से हम लोग समेशन ऑफ fy इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा T2 माइनस T1 कॉस थीटा इक्व टू ज़ीरो। सो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 कॉस थीटा, और T1 ये आ चुका है तो mg कॉस थीटा बाय साइन थीटा आएगा विच इज़ mg कॉट थीटा। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व किया, एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व किया है और जो ग्राफिकल मेथड है और लामिस थ्योरम है उससे भी सॉल्व किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये दोनों ही मैथड। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होपफुली आप इस मेथड को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर पाएंगे। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो और भी हमारे लिए ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और ये बहुत मुझे लगता है आप लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स को ट्राई कीजिए अच्छे से। आपको ये दिया हुआ है स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर ए क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ मास m। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इस पुली का भी मास m दिया हुआ है, ब्लॉक का भी मास m दिया हुआ है। द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प। सो हमारे को ये निकालना है कि इस पुली पे ये जो क्लैम्प है, ये क्लैम्प कितना फोर्स लगा रहा होगा, राइट ना। अब हम लोग यदि देखें ये मास m इक्विलिब्रियम में है, ये मास m इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो आपका स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, वी कैन डायरेक्टली राइट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज m into g, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, यदि आप इस ब्लॉक का BD बनाएंगे तो टेंशन फोर्स T ऊपर लग रहा होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम में है, सो T की वैल्यू mg के इक्वल होगी। यदि हम लोग इस पुली का FBD बनाते हैं, यदि हम लोग उस पुली का FBD बनाएं तो पुली का FBD कैसा बनेगा, ध्यान से स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। इस पुली का FBD, इस पुली पे एक तो ये रस्सी इधर की ओर फोर्स लगा रही होगी और एक ये रस्सी इधर की ओर लगा रही है, कि दो T फोर्स लग रहा होगा। सो एक टेंशन फोर्स T इधर की ओर लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल M इंटू जी होगी, दूसरा टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, राइट। सो आर द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्स विल नॉट बी द फोर्स बाय द क्लैंप। वहां पर हमारे को mg भी लगाना होगा, पुली का mg भी लगेगा, तो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स के, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके अपोजिट क्लैंप फोर्स लगाएगा, सो दैट इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो। फ्रेंड्स यहां पर फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहां पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये स्ट्रिंग लगा रहा है, एक इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पुली पे क्योंकि इसका मास दिया हुआ है, इधर से एक टेंशन फोर्स T लग रहा है, और एक क्लैंप जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन चारों फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, और वी कैन से इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा उसके अपोजिट में ये फोर्स लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग इन तीनों का वेक्टर सम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग पहले इन तीनों का वेक्टर सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये T की वैल्यू हमारी कैपिटल M इंटू जी है। सो इन दोनों का पहले हम लोग सम कर लेते हैं, राइट। जो एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम कर लेते हैं। तो हमारा इधर की ओर हो गया M प्लस M इंटू जी, और इस T की वैल्यू देखेंगे तो वो इधर की ओर आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, कैपिटल M इंटू जी। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, वो होगा रूट अंडर m प्लस m इंटू जी दिस स्क्वायर प्लस m इंटू जी होल स्क्वायर, राइट। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स बाय द क्लैंप लगेगा, सो दैट वो इन दोनों के वेक्टर सम के अपोजिट डायरेक्शन में हो, सो दैट रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, वो क्या हो जाएगा m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर इंटू जी। सो आपका आंसर हो जाएगा D, राइट। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, m प्लस m इंटू जी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू जी का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा इसमें D। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पुली का FBD समझ में आया होगा, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों से जल्दी से बन जाएगा। प्लीज़ आप इसको अटेम्प्ट करें, और यदि इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे जो सॉल्यूशन है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, टू बॉक्सेस ए एंड बी ऑफ मास m एंड m। सो ए का मास स्मॉल m दिया हुआ है और B का मास कैपिटल M दिया हुआ है, आर सस्पेंडेड बाय सिस्टम ऑफ पुलीज आर इन इक्विलिब्रियम एज सोन। सो ये इक्विलिब्रियम में है, दो पूरा ही चीज इक्विलिब्रियम में, एक्सप्रेस M इन टर्म्स ऑफ M। सो स्टूडेंट्स हियर वी विल एज्यूम, दिया हुआ नहीं है बट हम लोग ये एज्यूम करेंगे आइडियल पुली। आइडियल पुली कहने का मतलब हुआ पुली इज मासलेस। आइडियल पुली कहने का मतलब है पुली इज मासलेस। सो यदि अब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, सो ऑब्वियसली आपका इस स्ट्रिंग में यदि मैं ए का एफबीडी बनाऊं तो ए पे फोर्स एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। सो आपका ए के इक्विलिब्रियम के लिए जो इस स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए वो एम जी के इक्वल होना चाहिए, राइट। This is the symbol of equal to, T is equals to mg। अब मैं यदि इस पुली का FBD बनाऊं, मैं इस पुली का FBD बनाता हूं तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उस पुली के FBD में ये सेम स्ट्रिंग है तो जो यहां टेंशन होगा वही टेंशन यहां होगा, वही टेंशन यहां होगा। सो इधर से T लग रहा होगा ऊपर की ओर, इधर से T लग रहा होगा वो ऊपर की ओर, और जो नीचे लग रहा होगा फोर्स वो क्या होगा, वो इसका वेट लग रहा होगा m इंटू जी। सो क्विक, अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं इस पुली का जो है नेट फोर्स बैलेंस होने के लिए आपका 2t इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू जी होना चाहिए, और t की जगह हम लोग स्मॉल m जी रख सकते हैं। सो दैट इक्वल टू m इंटू जी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। सो m इज बेसिकली 2 इंटू m। सो ये कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्मॉल m, और मास ऑफ B इज 2 टाइम्स द मास ऑफ A। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेम स्ट्रिंग है, सो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा। सो यहाँ T है तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, ये 2T ऊपर की ओर और जो नीचे की ओर mg फोर्स है। सो 2T इक्वल्स टू mg और T इक्वल्स टू mg होगा, यहाँ से m इक्वल्स टू 2m आ जाएगा। गुड। सो ये एक आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। सो हम लोग ये देख रहे हैं इक्विलिब्रियम को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, फिर से इस क्वेश्चन को आप, जो एक डिफरेंट क्वेश्चन आया है, डिफरेंट सिचुएशन है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और जो भी आपके आंसर आते हैं उसको आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा। सो व्हाट इज गिवन इज 70 kg मैन। सो मास ऑफ द मैन इज 70 kg स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इन ए 50 kg लिफ्ट। सो इस लिफ्ट का मास दिया हुआ है 50 kg और इस मैन का जो मास दिया हुआ है 70 kg, राइट। लिफ्ट पुल्स ऑन द रोप विच सपोर्ट्स द लिफ्ट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स विथ विच द मैन शुड पुल ऑन द रोप टू कीप द लिफ्ट स्टेशनरी। ओके, सो ये लिफ्ट स्टेशनरी है, यदि लिफ्ट रिस्ट में है ऑब्वियसली लिफ्ट के अंदर जो पर्सन है वो भी रिस्ट में होगा, मतलब पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, राइट right? सो पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस पर्सन को इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाना है ये हमारे को निकालने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो फोर्स इस स्ट्रिंग पे लगा रहा होगा, स्ट्रिंग में वही टेंशन होगा। बेसिकली हमारे को इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, और ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा कहाँ से लेकर यहाँ पे लेकर यहाँ तक है। तो मैं इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है यदि इसको टी से रिप्रेजेंट करूँ तो इस पूरे स्ट्रिंग में ही टेंशन टी होगा, क्योंकि वो क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली एंड द स्ट्रिंग इज मासलेस। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा। तो अब हमारे लिए इसको सॉल्व करने के लिए तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम इस बॉक्स और पर्सन दोनों को ही हम अपना सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि पूरा ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम उस सिस्टम को किसी भी पार्ट को इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं। देन दिस इज आवर एफबीडी। ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, हमारा ये एफबीडी देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो ये पर्सन पे फोर्स लग रहा होगा, रस्सी फोर्स लगा रही होगी टी ऊपर की ओर। दूसरा ये वाला जो ये पुली है वो पुली भी इस सिस्टम का ही पार्ट है, राइट, क्योंकि ये पुली को मासलेस हमने मान लिया है, उस पुली को भी सिस्टम में ही ले लेते हैं। तो इस पुली पे जो फोर्स लगेगा, इस पुली पे जो फोर्स लगेगा वो भी ट्रांसफर होगा इस सिस्टम को, राइट। सो ये टी हो गया, ये टी हो गया, इधर टी हो गया, और उसके साथ साथ जो mg फोर्स होगा वो डाउनवर्ड लगेगा। 70 प्लस 50 120 है, सो 120 g लग रहा होगा। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो होपफुल स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा इसका एफबीडी। इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे। सो हमारे थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, जो ये टी, ये टी, ये टी और इधर mg। सो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स 3t की वैल्यू जो होनी चाहिए 3t इज इक्वल टू 120g होना चाहिए। सो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 40g और वी कैन से t इज इक्वल टू 400 न्यूटन। सो इस पर्सन को 400 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा होगा सो दैट ये सिस्टम किस में रहे, रिस्ट में रहे। तो ये पार्ट हमारा यहां तक हो चुका है। अब आपके लिए सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द मैन एंड द वेइंग मशीन। अब आपको इसके और इसके बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली अब हम पूरे को एक सिस्टम लेंगे तो वो नॉर्मल फोर्स इंटरनल हो जाएगा, वो हमारे एफबीडी में नहीं आएगा। इसका मतलब अब आपको सिर्फ इस पर्सन को आपका अपना सिस्टम लेना होगा। So let us consider the person as our system. यदि हम लोग अपने पर्सन को यदि अपना सिस्टम कंसिडर करें तो हमारा जो एफबीडी बनेगा, ध्यान से देखते हैं हमारा एफबीडी क्या बनेगा। एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 400 न्यूटन। एक mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, मास 70 kg है तो ऑब्वियसली 700 लग रहा होगा। और एक नॉर्मल फोर्स जो वेइंग मशीन है वो ऊपर की ओर लगा रहा होगा। यही तीन फोर्स लग रहे होंगे उस पर। तो इन सब का यदि वेक्टर सम को यदि जीरो होना है तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 400 प्लस n माइनस 700 इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी 700 माइनस 400 विच इज 300 न्यूटन। सो आपके दोनों पार्ट का आंसर सॉल्व होता है। सो आपने इसमें देखा कि थोड़ा सा हमारे को इक्विलिब्रियम के साथ साथ अपने को यहाँ पर सिस्टम को भी ध्यान से चूज करना पड़ा सो दैट हम इसकी वैल्यूज आसानी से निकाल पाए। गुड। सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे लिए। ओके सो ये थोड़ा सा लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग इस पर टाइम दें, आप वीडियो को पॉज करें, आप इसको सॉल्व करें और इसको आंसर को मैच करना है, फिर जब मैं इसको सॉल्यूशन देता हूँ। तो टू मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M आर अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन आपको रिलेशन बताना है क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग पहले से इसको बना लेते हैं कि ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो हमारे को पता है, दिस टी विल बी mg यदि मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं तो। अब मैं दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं p1 और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं p2। सो मैं पहले p1 के इक्विलिब्रियम को देखता हूं देन मैं p2 के इक्विलिब्रियम पे आऊंगा। लेट अस से मैं यहाँ पर जो टेंशन है उसको T1 कहता हूँ, इस रस्सी में जो टेंशन है, इस रस्सी में जो टेंशन है उसको मैं T2 कहता हूँ और इस रस्सी में जो टेंशन है उसको T3 करता हूँ। ऑब्वियसली इस रस्सी का टेंशन मुझे पता है, इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो M इंटू जी के बराबर होगा, कैपिटल M इंटू जी के बराबर होगा क्योंकि मैं कैपिटल M मास का यदि अब BD बनाऊँ तो ऊपर टेंशन T और नीचे MG लग रहा होगा। गुड। सो मैं फर्स्ट पॉइंट P का एफबीडी बना लेता हूँ। पॉइंट P मासलेस है। सो स्टूडेंट्स पॉइंट P मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। P1 का एफबीडी मैं बनाऊँ तो आप पर इधर की ओर फोर्स T1 लग रहा होगा, इधर की ओर फोर्स T2 लग रहा होगा और डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा होगा, राइट। और ये दोनों ही एंगल 45 डिग्री दिए हुए हैं, ये भी एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और ये भी एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हम लोग इसको कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से इसको कंपोनेंट मेथड सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको x एक्सेस मान सकते हैं और इसको y एक्सेस मान सकते हैं। ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं तो हमारा T2 का जो कंपोनेंट होगा T2 cos 45 सो दैट विल बी T2 बाय रूट टू होगा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो T2 बाय रूट टू होगा। उसी तरीके से यदि T1 को रिजॉल्व करेंगे तो T1 का ये कंपोनेंट T1 बाय रूट टू होगा और T1 का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो भी T1 बाय रूट टू होगा। और नीचे की ओर बात करेंगे तो स्मॉल mg होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ fx कर लें। समेशन ऑफ fx इक्वल टू जीरो से हमारा रिलेशन आ जाएगा T2 बाय रूट टू इक्वल टू T1 बाय रूट टू। इट मीन्स T1 इक्वल टू T2। सो एक रिलेशन हमारा आ गया T1 और T2 के बीच में कि दोनों इक्वल है। फिर समेशन ऑफ fy इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। समेशन ऑफ fy इक्वल टू जीरो करने से हमारा रिलेशन आएगा T1 बाय रूट टू प्लस T2 बाय रूट टू इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। नाउ T1 और T2 दोनों इक्वल है तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2T1 बाय रूट टू इंटू टू इज इक्वल टू एम जी। सो हमारे से यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एम जी बाई रूट टू। सो ये रिलेशन हमारा आ गया T1 और T2 में। अब हम लोग पॉइंट P2 का FBD बनाते हैं। सो यदि आप पॉइंट P2 का FBD बनाएंगे, पॉइंट P2 का यदि मैं FBD बनाता हूँ सो पॉइंट P2 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे उसको देखते हैं हम लोग। सो पॉइंट P2 पे फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा T2 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऑब्वियसली ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। सो ये 45 डिग्री पे लग रहा होगा और इधर की ओर नीचे की ओर लग रहा होगा कैपिटल M इंटू जी। और एक फोर्स लग रहा होगा T3 इधर की ओर लग रहा होगा एट एन एंगल ऑफ थीटा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। सो जल्दी से हम लोग इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यदि मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो इधर की ओर T3 कॉस थीटा आएगा, इधर T3 साइन थीटा आएगा, इधर डाउनवर्ड कैपिटल एम जी आएगा और इधर की ओर T2 बाय रूट टू आएगा। और T2 बाय रूट टू की वैल्यू आप हम लोग देखेंगे तो T2 की वैल्यू एम जी बाय रूट टू है। सो T2 बाय रूट टू की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाई टू, राइट। सो यदि अब हम लोग फोर्स बैलेंस करें, यदि हम लोग फोर्स बैलेंस करें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में T3 कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई टू एंड T3 साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम। ओके, एक चीज़ यहाँ पर और मिस हो गया, यहाँ पर हमारा इसका ये भी कंपोनेंट आता T2 बाय रूट टू भी आता एंड T2 बाय रूट टू की भी वैल्यू होती mg बाई टू। सो T3 साइन थीटा जो होता वो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg बाई टू होता। सो यदि आप इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं यहीं पर लिखता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम बाई टू एंड दैट डिवाइडेड बाय स्मॉल एम बाई टू, राइट। सो आप देखेंगे तो इससे कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, 1 प्लस टू एम बाई एम, 1 प्लस टू एम बाई एम आ जाएगा आपका। सॉरी, tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस टू एम बाई एम, आंसर ए हो जाएगा। सो होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना था, ये भी कंपोनेंट को ऐड करना था। सो T2 बाय रूट टू यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने सिर्फ इसका ये कंपोनेंट लिया था, ये कंपोनेंट को हम लोगों ने बाद में लिख दिया है mg बाई टू। यहाँ से सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1 प्लस टू एम बाई एम। गुड। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस पर आपको P1 पे फोर्स बैलेंस करना था, P2 पे भी फोर्स बैलेंस करना था, क्योंकि P1 मासलेस है, P2 भी मासलेस है, ये एक पॉइंट मास है जिसका मास नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए था। सो होपफुल स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे, वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखा होगा, और यदि एक फोर्स वेक्टर सम जीरो है बहुत सारे फोर्सेस का, इसका मतलब उनका x कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए और y कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, सबको मैंने कंपोनेंट में डिवाइड किया, x कंपोनेंट को अलग जीरो कर रहा हूँ और y कंपोनेंट को अलग जीरो कर रहा हूँ और वहाँ से मैं आंसर निकाल रहा हूँ। सो होपफुल स्टूडेंट्स हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई जगह आपसे देखेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोगों को प्लीज अटेम्प्ट करना चाहिए और उसके बाद जो भी दिक्कत होगी उसको आप लोग सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स A एंड B विच आर एट द सेम लेवल। सो ये सेम लेवल पे दिया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट बोथ द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट इज theta, it is given as theta. What is the tension of the chain at the midpoint? आपको यहाँ पर टेंशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को ध्यान में रखना है कि हम लोग एक चीज तो आराम से निकाल सकते हैं, यदि इस पूरे चेन को ही हम लोग एक सिस्टम ले लें, इस पूरे चेन को ही सिस्टम ले लें, तो आप यहाँ पर इस पूरे चेन को मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, तो ये जो सरफेस है वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, टेंशन फोर्स, वो भी किस डायरेक्शन में लगाएगा। आपको ध्यान में होगा कि टेंशन फोर्स होता है वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होता है, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, इससे टेंजेंट की डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर भी जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और आप देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। ये दोनों टेंशन की वैल्यू हमने इक्वल ली है, इसलिए इक्वल लिया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होने के लिए यदि इसको T1 माने और इसको T2 माने तो T1 cos थीटा इक्वल टू T2 cos थीटा होना चाहिए। इट मींस T1 और T2 को इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को सेम T रखा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने की बात कहेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट T sin थीटा, इसका भी कंपोनेंट T sin थीटा, सो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2T sin थीटा is equals to W, so यहाँ से हमारा T आ जाएगा W/2 sin थीटा। गुड। लेकिन स्टूडेंट हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द टेंशन ऑफ द चेन एट द मिड पॉइंट। हमने टेंशन यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला, लेकिन हमसे जो टेंशन पूछा गया है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट हमको यदि यहाँ पे टेंशन निकालना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने सिस्टम क्या लेना है। यदि पूरे चेन को हम सिस्टम लेंगे तो यहाँ का जो टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो कभी आपके एबीडी में नहीं आएगा, तो आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ टेंशन निकालने के लिए आपको हाफ चेन को ही अपना सिस्टम लेना चाहिए, राइट? मैं इस हाफ चेन को अपना सिस्टम लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो चेन होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो जो आपका यहाँ एबीडी बनेगा वो टेंशन T इधर की ओर लग रहा होगा, जो इधर से लग रहा था थीटा एंगल पे वो टेंशन T होगा। इधर की ओर जो ये वाला पार्ट होगा वो उस पे टेंशन T डैश इधर की ओर लगाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर चेन हमारा हॉरिजॉन्टल है, और ऑब्वियसली एक mg फोर्स लग रहा होगा, जो इसका मास होगा इस पूरे का हाफ होगा, तो इसका जो वेट होगा इस पूरे चेन का हाफ होगा, सो ये यहाँ से W/2 होगा। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे को T डैश निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, एंड वी कैन से T डैश विल बी सिंपली T cos थीटा, और T हम लोग निकाल चुके हैं, सो T की वैल्यू है W/2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सो यहाँ से हमारा T डैश आ जाएगा W/2 cot थीटा। सो The correct answer will be C. So hopefully students आपने यहाँ पर देखा कई बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको इस जगह पे टेंशन निकालने के लिए कहा दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चेन टेंशन सेम नहीं होगा, है ना? तो आपको किस तरीके से सिस्टम को चूज करना चाहिए कि आप यहाँ पर टेंशन निकाल पाए। तो ऑब्वियसली आप पूरे चेन को सिस्टम लेंगे तो यहाँ और यहाँ का टेंशन आप इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेंशन निकालने के लिए आपको सिर्फ हाफ पार्ट को ही अपना सिस्टम लेना होगा। सो होपफुल स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज एंजॉय किया होगा इक्विलिब्रियम पे, और इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको आप प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि वहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप हमारे लाइव क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.